आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है, यानी कि जो भी लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी रुक जाए, और प्रेगनेंसी जस्ट रुकती है, एक महीने जस्ट बीतते हैं, उसके बाद उनको एक आसरा लगने लगता है कि उनका बच्चा कितना बड़ा हुआ होगा। और कुछ ऐसे भी कपल हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उनके भी मन में ये सवाल होता है कि एक महीना ऊपर हो गया है, एक महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है। यानी कि आज पूरी की पूरी सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि एक महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसकी साइज़ के बारे में बातें करेंगे, और भी कौन कौन से चेंजेस आपके बॉडी में आते हैं सबके बारे में बातें करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि महिलाओं की जब भी प्रेगनेंसी रुकती है, सबसे पहले नोटिस किया जाता है कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितनी चल रही है। बहुत सारे कपल जो कि काफ़ी दिनों से अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, अधिकतर लोगों की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बिगड़ी हुई होती है, जिसके वजह से उनका ओवुलेशन डिस्टर्ब होता है। अगर ओवुलेशन डिस्टर्ब होगा तो उनकी प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। लेकिन बेसिकली अगर नॉर्मल केसेस की बात की जाए तो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर 28 से 30 दिन की है, जिसको हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हैं, जब ये 28 से 30 दिन की जो साइकिल होती है उसके बीच में एक समय होता है जिसे हम लोग फर्टाइल डेज बोलते हैं, फर्टाइल विंडो बोलते हैं, जिस टाइम से महिला के ओवरी में से अंडे रिलीज़ होते हैं, और एक ही अंडा रिलीज़ होता है हर एक महीने, और कभी कभार दो भी हो जाते हैं जिसके वजह से ट्विन प्रेगनेंसी होती है। कुछ एक अलग रीज़न भी होता है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी आपको कि ट्विन प्रेगनेंसी कैसे होती है। लेकिन जब उनके शरीर में जब अंडा रिलीज़ होता है तो कभी लेफ्ट ओवरी से होता है, कभी राइट ओवरी से होता है, यानी कि ऑल्टरनेट मंथ डिफरेंट डिफरेंट आपके, जैसे कि कभी लेफ्ट से भी हो गया, कभी राइट से भी हो गया, और आपके अगले अगले मंथ में वो ओवरी से अंडा रिलीज़ होता रहता है। जब अंडा रिलीज़ होता है उस टाइम को हम लोग ओवुलेशन का टाइम बोलते हैं, जो कि बेसिकली आपका 14वें दिन, 13वें दिन या 15वें दिन पे अंडा रिलीज़ हो ही जाता है। जिनकी नॉर्मल साइकिल है उनकी बात कर रही हूँ, जिनकी साइकिल लॉन्ग है, जिनकी साइकिल शॉर्ट है उनकी अभी पर बात नहीं कर रही हूँ। सारी बातें नॉर्मल केसेस के बारे में बात होंगी कि जिनके अगर 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो बेसिकली चांसेस ये बनते हैं कि 13, 14वें, 15वें दिन उनके शरीर से अंडा रिलीज़ होगा। उस टाइम पे जब वो मेल के संपर्क में रहेंगी तो जो मेल के सेल्स होते हैं वो फर्टिलाइज कर देंगे, आपके फैलोपियन ट्यूब में जाके उस अंडे को फर्टिलाइज कर देंगे, और उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी का जो हार्मोन होता है, प्रक्रिया होती है, वहाँ से शुरू होती है। लेकिन आपको जान करके ये बहुत ज़्यादा ताजुब लगेगा कि जिस दिन महिलाओं का पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है आपका डे 1, यानी कि पहला दिन होता है। आप ब्लीडिंग में होते हैं तब भी आपका पहला दिन होता है, और उसके बाद जब एक हफ्ता ये गुजरता है, जिस समय आपका 5 से 6 दिन आपकी ब्लीडिंग जाती है, वो एक हफ्ता भी आपकी प्रेगनेंसी के अंदर ही डिनोट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक महीने का बच्चा कितना बड़ा होगा, तो वीक वाइज अगर मैं बात करूं तो एक महीने का बच्चा 4 हफ्ते के बराबर होता है। यानी कि जो पहला हफ्ता होता है जिस टाइम पे आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, तो टेक्निकली उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए ये जो वीक जो होता है वो वीक डिसाइड होता है आपकी स्टार्टिंग से ही, जिस दिन आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। दूसरे हफ्ते की बात की जाए, यानी कि 7 दिन से 14वें दिन, उस टाइम पे भी अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि ये जो पहला 14 दिन होता है उस टाइम पे महिलाओं के शरीर में जो ओवरीज में जो छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं वो धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, वो अंडे का रूप लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट दूसरा वीक है उस टाइम पे भी अंडे की प्रिपरेशन ही हो रही होती है, जो कि उनके 14 दिन तक अंडे की सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन होती है। पहले वीक में आपको ब्लीडिंग आती है, दूसरे वीक में आपको ब्लीडिंग नहीं आती है, बल्कि शरीर में इंटरनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपका फॉलिकुलर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और जैसे ही 13, 14वें या 15वां दिन जब अंडा पूरी साइज़ में आ जाता है, 18 से 20 mm की साइज़ एक्वायर कर लेता है, तो उसके बाद वो रिलीज़ हो जाता है आपकी ओवरी से, यानी कि आपके अंडे के फूटने के चांसेस उस टाइम पे दिखाई देते हैं। वही करेक्ट टाइम होता है जिस टाइम पे मेल के साथ अगर आप संपर्क में रहती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का काम वहीं से शुरू होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेल के सेल्स होते हैं वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, लेकिन वहीं पर जो अंडा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे यानी कि 1 दिन तक ही जीवित रहती है। यानी कि 1 दिन के अंदर अगर मेल के सेल उनको प्रोवाइड हो गए तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनेंगे। तो उसी टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं, और मतलब आपकी अगर प्रेगनेंसी कंसीव होने का टाइम आ गया है, फर्टिलाइजेशन अगर आपके एग का हो गया, तो उसके बाद ये एक हफ्ता यानी कि जो तीसरा हफ्ता होता है
उस टाइम पे आपके फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन आपका 1 से 2 दिन के अंदर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो दोनों जो मेल के सेल हैं और जो फीमेल का एग है, जो उनकी ओवरी से जो निकला हुआ अंडा है, जो एग है, उन दोनों की न्यूक्लियस वहाँ पर जब फर्टिलाइज हो जाती है, न्यूक्लियस क्या होता है कि डिवाइड होना शुरू करता है। जैसे कि उनके न्यूक्लियस और आपके न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस हैं, लेकिन ये दोनों जब मिल जाएंगे तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से उनका मल्टीप्लीकेशन आप समझ सकते हैं कि इस तरह से वो डिवीज़न होते रहता है, मल्टीप्लीकेशन कह सकते हैं। अगर आपको जैसी भाषा में समझना है उसको आप समझ लीजिए कि उसकी सेल की डिवीज़न होती रहती है। जब सेल की डिवीज़न होती है तो एक छोटा सा ब्लास्टोसिस्ट नामक एक छोटा सा एक सेल, मतलब थोड़ा सा ग्रुप ऑफ सेल्स कह सकते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो आपके यूट्रस की दीवार पर चिपकती है। लेकिन ये कब चिपकेगी? लास्ट के जो वीक होते हैं, जो आपका करीब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट का वीक होता है आपके नेक्स्ट पीरियड से जो उसके पहला वाला वीक है, यानी कि फर्स्ट वीक मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग होती है, दूसरे वीक में भी अंडा प्रिपेयर होता है, तीसरे वीक में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और फोर्थ जो वीक होती है वो बेसिकली आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो जब अगर आपका इम्प्लांटेशन होगा तो इम्प्लांटेशन के दौरान होता क्या है कि आपके यूट्रस के अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो वहाँ पर सेटल डाउन होता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाएगा तब से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आपके शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। अब महिलाओं को 4 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं, 4 हफ्ते यानी कि नेक्स्ट उनके पीरियड का साइकिल फिर से आ गया, लेकिन आप देखिएगा कि आपका पीरियड मिस हो गया है, क्योंकि आपके शरीर में यूट्रस में एक नन्हा सा जायगॉट, एक नन्हा सा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो चिपक गया है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पर रुक गई है। जब प्रेगनेंसी अगर आपकी रुकती है उसके बाद शरीर में बहुत सारे बदलाव होंगे, हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसमें बेसिकली बीटा HCG का बहुत ज़्यादा नाम आता है, क्योंकि उसको हम लोग प्रेगनेंसी के हार्मोन से हम लोग जानते हैं। तो ये जो बीटा HCG होती है वो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस कराती है, जैसे कि सर दर्द होना, किसी फूड को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होना या एवर्जन होना, थका थका फील करना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, या आपको चिड़चिड़ा फील होना, और बहुत सारे तमाम तरह की चेंजेस जो कि मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो में बताई हुई है, जिसमें मैंने डिटेल नॉलेज दी है कि 10 ऐसे सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी के जो कि आपको दिखाई देते हैं। तो अब ये सिम्टम जब आपको दिखाई दे रहे हैं उस टाइम पे भी 1 हफ्ता और गुजर जाता है, यानी कि पीरियड आपका जिस दिन आना चाहिए था उस दिन ना आके मिस हो जाता है और 1 हफ्ता बीत भी जाता है, तो आप इस टाइम पे 5 वीक प्रेग्नेंट हैं। जब अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करिएगा उस टाइम पे आपको डबल लाइन दिखाई देगी, वो डबल लाइन को देख के आप समझ जाइएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। और इस टाइम पे जो 1 महीने का जो बच्चा होता है वो कितना बड़ा होता है, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि एक छोटा सा आप समझ सकते हैं सेसमे सीड, यानी कि अगर तिल के बीज की बात की जाए, या आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओ उसको क्लियरली, जो अलसी के बीज होते हैं उतने साइज के, मतलब उन दोनों के बीच का जो साइज होता है, बस वो डॉट बराबर ही आपका बच्चा होता है। लेकिन 5 वीक में या 6 वीक में बच्चे की धड़कन स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो धीरे 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 करके, होता क्या है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स वहाँ पर ऐड हो जाते हैं, वहाँ पर आपके यूट्रस में चिपकते हैं, तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि प्लेसेंटा बनाते हैं और कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि बच्चा बनाते हैं। तो जो बच्चा बनाने का जो निर्माण कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि कुछ सेल्स वहाँ पर थोड़े 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 करके उनके अंदर वाइब्रेशन होगा। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये ग्रेजुअली 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये हार्ट का मतलब स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि दिल धड़कना वहीं से शुरू होता है। आपके 5 वीक की प्रेगनेंसी या 6 वीक तक आपके बच्चे के दिल की धड़कन आ जाती है, और ये तब तक रहती है जब तक कि लाइफ लॉन्ग इंसान जीवित रहता है, तब तक ये दिल की धड़कन चलती रहती है, और उस समय धीरे धीरे करके सारे वाइटल ऑर्गन बन रहे होते हैं। तो ये जो वाइटल ऑर्गन जो बन रहे होते हैं वो बताते हैं कि आपका जो इस टाइम पे प्रेगनेंसी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। बेसिकली इस टाइम पे न्यूट्रिएंट आपके शरीर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा जी मचलता है, खाने की इच्छा नहीं करती हो, मैं बार बार उनको यही लाइन बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अच्छी तरह से खाइए, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप अपने शरीर को न्यूट्रिएंट से वंचित रखती हैं, अगर आपको डिफिशियंसी होती है तो बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। तो आप बेसिकली अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में खाने को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें। जितना अच्छा और हेल्दी डाइट अगर आप लीजिएगा उतना अच्छे बच्चे की हेल्थ होगी, उसकी पोषण होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कितना छोटा होता है। भले बच्चा आपका इतना ही छोटा हो, एक बीज के बराबर हो छोटा सा, लेकिन स्टिल उसके अंदर ग्रेजुअली बहुत वास्ट चेंजेस आते हैं, जो कि अगर आप देखिएगा कि जैसे जैसे 1 से 2 हफ्ता और बीतते जाता है,
आपका बच्चा जो है ग्रेजुअली और बड़ा होता है, जैसे कि मटर के दाने के बराबर होता है, धीरे धीरे करके एक राजमा के दाने के बराबर होता है। इस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट होती है, लेकिन शरीर में इतने सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में तकलीफ होना, आपके पेट में इंडाइजेशन होना, बार बार यूरिनेशन फील करना, किसी मीठे चीज़ की क्रेविंग करना, तो ये सारे आपके प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली सारी चीज़ें बता दी कि 1-3 वीक्स अगर आप देखें तो आप टेक्निकली प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत आपकी 4 वीक से होती है, लेकिन स्टिल अगर आपकी प्रेगनेंसी या जेस्टेशन एज को कैलकुलेट किया जाएगा तो इन सारे वीक्स को भी कंसिडर किया जाता है जिस दिन से आपका पीरियड आता है। इसलिए और अभी जब भी अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, इस वजह से आपको LMP पूछा जाता है कि आपकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड क्या थी, क्योंकि उसी दिन से आपकी जेस्टेशन एज कैलकुलेट होती है। होपफुली आपको इस वीडियो में सारी जानकारियाँ अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गर्भावस्था से रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो मेरा दूसरा चैनल गर्भ ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।